नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज और वो है 13.3। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, कोई भी स्फीयर है उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फीयर वो हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्ट एंड रिकास्ट इन टू ए शेप ऑफ सिलेंडर। इसको मेल्ट करके और शेप ऑफ सिलेंडर के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, और जो सिलेंडर है उसका रेडियस है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और ये जो रेडियस है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, तो दोनों केस में जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो भी होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल, जो स्फीयर को ही हमने कन्वर्ट किया सिलेंडर के अंदर, तो वॉल्यूम के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में वॉल्यूम आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, और ये इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और रेडियस हमारे पास तो ये 42/10, ये 42/10, और ये हो जाएगा 42/10, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 से 6 आ जाएगा, और ये 3 से 2 आ जाएगा, ये 2 से 5 आ जाएगा, और ये 2 से 5 आ जाएगा, ये 2 से 5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22 × 42 × 42 अपॉन हो जाएगा 5 × 5 और ये 5, और ये जो वॉल्यूम है वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू हो जाएगी पाई की वैल्यू 22/7, जो रेडियस है वो हो जाएगा 6 × 6, हाइट हमें निकालनी है, तो ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और 6 से ये 7 आ जाएगा, 6 से ये 7 आ जाएगा, तो जो टोटल हाइट है h/7 वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी 7 × 7 अपॉन में 5 × 5 × 5, इस 7 को यहाँ से हटा के यहाँ मल्टीप्लाई भेजेंगे तो हाइट हमारे पास हो जाएगी h/5, और इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ये दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हो जाएगी हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, और वो है ए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस हैं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली हुई, तो 3 स्फीयर हैं, कि रेडियस हमारे पास R1 है वो 6 सेंटीमीटर है, R2 है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, और R3 है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 3 स्फीयर हैं, तीनों के डिफरेंट रेडियस हैं, आर मेल्ट टू फॉर्म ए सिंगल सॉलिड स्फीयर, इन तीनों को हम मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड बनाते हैं, बड़ा सिलेंडर स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। तो इस केस में भी जो सम ऑफ द थ्री, तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर, 3 स्फीयर के जो सम का वॉल्यूम होगा वो रिजल्टिंग स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए उसकी रेडियस क्या हो जाएगी r, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर 1 क्यूब, प्लस हो जाएगा 4/3 पाई आर 2 क्यूब, और प्लस हो जाएगा 4/3 पाई आर 3 क्यूब, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा आर 1 क्यूब प्लस आर 2 क्यूब, और प्लस हो जाएगा आर 3 का क्यूब, तो ये वैल्यू 4/3 से पाई कैंसिल, आर क्यूब की वैल्यू जो है वो हो जाएगी
सिक्स का क्यूब प्लस में एट का क्यूब प्लस में हो जाएगा टेन का क्यूब, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, वो देखिए, ए 20 मीटर डीप वॉल विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर इज डंग एंड अर्थ फ्रॉम डिजाइन इज इवेंटली सेपरेट आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 बाई 14 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। कोई भी वॉल है कोई भी, और उसकी जो गहराई है, जो हाइट है, वो हमारे पास क्या है, हाइट हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर, और जो डायमीटर है तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 7 बाई 2, और उसकी जो भी मिट्टी होगी उसको हमने एक प्लेटफॉर्म के आकार में, और वो जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। तो ये जो शेप है, कुआ है इस प्रकार से कोई भी, तो ये जो शेप होगी इसके अंदर वो सिलेंड्रिकल शेप होगी, तो इसकी जो हाइट है वो 20 है, रेडियस है वो हमारे पास 7 बाई 2 है, और इसकी जो भी मिट्टी आती है उसको हम प्लेटफॉर्म के रूप में, तो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड हो जाएगा, क्यूबॉइड के रूप में हम ले रहे हैं, जिसकी लेंथ है वो हमारे पास L है वो 22 है, B है हमारे पास 14 है, H हमने इसके अंदर निकाल लिया, दोनों केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा एल बी एच। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 बाई 7, रेडियस हमारे पास 7 बाई 2, हाइट है टोटल वो 20 है, लेंथ इसके अंदर 22 है, ब्रेथ है वो 14 है, टोटल हाइट हमें निकालनी है। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 10 आ जाएगा, और ये 2 से 5 आ जाएगा। तो h की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 22 इंटू में 7 इंटू में 5, और ये जो 22 है इंटू में 14 है, ये नीचे आ जाएगा हमारे पास, इंटू में क्या हो जाएगा 14, 22 से 2 और ये 2, तो हाइट हो जाएगी हमारे पास 5 बाई 2 सेंटीमीटर, ये मीटर में है तो मीटर हो जाएगी। दिस इज़ दी हाइट ऑफ दी वॉल प्लेटफॉर्म, जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसकी हाइट हमारे पास हो जाएगी 5 बाई 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ए वेल ऑफ डायमीटर, सेम इसी प्रकार ये है, वेल ऑफ डायमीटर है, तो डायमीटर हमारे पास है वो है 3 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास 3 बाई 2 सेंटीमीटर, मीटर में है मीटर में ले लेंगे हम। इस डंग 14 मीटर डीप, तो हाइट है इसकी वो हो जाएगी 14 मीटर, टोटल हाइट है 14 मीटर है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन सेपरेटेड इवेंटली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ है 4 सेंटीमीटर। ये कोई भी वाल है हमारे पास, ये सिलेंड्रिकल वाल है, और इसके अंदर से जो भी मिट्टी आएगी वो इसी के चारों तरफ हम सर्कुलर रिंग के अंदर, और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 4 मीटर विड्थ के अंदर हम इसको सेपरेट करेंगे इसके चारों तरफ। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, तो ये जो भी एम्बैकमेंट है इसकी जो टोटल हाइट है वो हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये हाइट किसके इक्वल हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी मिट्टी हम निकालेंगे वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, और ये इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल, वॉल्यूम ऑफ जो भी सिलेंडर के अंदर से हमने वॉल्यूम निकाला उसी के इक्वल हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाल, और ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22 बाई 7, रेडियस हमारे पास 3 बाई 2, ये 3 बाई 2, टोटल हाइट है 14 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 22 अपॉन में हो जाएगा 2। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वाल। अब जो वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा, ऑल्सो
वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसके अंदर हम टोटल सर्कुलर रिंग मान के लेंगे इसको हम, तो ये अंदर वाला वॉल्यूम क्या करेंगे हम घटाएंगे टोटल बाहर वाला लेके उसमें से अंदर वाला घटा देंगे, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास पाई एच और आर वन स्क्वेयर माइनस में हो जाएगा आर टू स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो आर वन है वो हमारे पास हो जाएगी, ये सेंटर मान के लेंगे हम, टोटल ये 4 सेंटीमीटर वाइड है और ये रेडियस कितनी है हमारे पास 3/2, तो 4 + 3/2 तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 11/2 या 5.5 मीटर। और आर टू है वो हमारे पास हो जाएगा स्मॉल क्वांटिटी, ये 3/2 हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 या इसको हम लिख लेंगे 1.5 मीटर। तो ये वैल्यू हम लेंगे तो हो जाएगा ये पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में हाइट हमें निकालनी है, तो ये वैल्यू हम एच के अंदर एच टी लेंगे। आर वन स्क्वेयर हमारा हो जाएगा 5.5 का स्क्वेयर माइनस आर टू स्क्वेयर हो जाएगा 1.5 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 22/7 इंटू में एच 5.5 का स्क्वेयर, तो इसको हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी ए माइनस बी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 प्लस में 1.5 और इंटू में हो जाएगा 5.5 माइनस में 1.5, तो ये इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 6, 7 और ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो ये 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28 इंटू में 22/7 इंटू में हाइट, और ये जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर के इक्वल। तो इसको हम इक्वल करेंगे 28 इंटू में 22/7 इंटू में हाइट है ये इक्वल हो जाएगा 9 इंटू में 22/2 के इक्वल, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से एच हो जाएगा हमारे पास 9/4 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9/8। दिस इज़ दी हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, टोटल जो हाइट होगी उसकी ये हो जाएगी 9/8 मीटर, तो ये मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और वो हमारे पास हाउ मैनी सिल्वर कोइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, डायमीटर हमारे पास तो डायमीटर हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगा 1.75/2 एंड थिकनेस जो है टोटल वो मान लीजिए उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी उसके अंदर 2 mm, ये mm में है या सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। मस्ट बी मेल्ट टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, और इस ये जो डायमेंशन है क्यूबॉइड की वो हमारे पास ये क्यूबॉइड है और इसकी जो डायमेंशन है वो है 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5। हाउ मैनी सिल्वर कोइन, ये डायमीटर है ये हाइट है और जो सिल्वर कोइन है वो हमारे पास एक सिलेंड्रिकल आकार का हो जाएगा इस प्रकार, जिसके अंदर कुछ थिकनेस भी है और उसकी, तो ये जो हाइट है वो हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है वो हमारे पास 1.75/2 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे हम इक्वल कर देंगे, नंबर ऑफ़ कॉइन हमें निकालने हैं तो नंबर ऑफ़ कॉइन क्या हो जाएगा हमारे पास, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो हमारे पास दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है हमारे पास वो है 5.5 इंटू में 10 इंटू में 3.5 और वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर हो जाएगा हमारे पास, सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, और इनटू में क्या हो जाएगा एन इनटू में नंबर ऑफ कोइन, तो एन इनटू में पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 हो जाएगी। हाइट रेडियस है हमारे पास वो है, इसको हम लिख लेंगे 175/200, तो ये 175/200 हो जाएगा। पॉइंट हटा लेंगे हम, इनटू में हाइट है इसकी वो है 2/10, और ये इक्वल हो जाएगा 55/10 गुणा में ये 10 गुणा में 35/10, तो यहाँ से एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो एक ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास अब टोटल जो हाइट है वो हो जाएगी 55 गुणा में 10 गुणा में 35, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 × 200 × 20, अपॉन ये जो वैल्यू है 22 175 175 और ये 2, ये हम हाइट निकाल लेंगे। दिस इज़ दी टोटल नंबर ऑफ हाइट नहीं, टोटल एन की वैल्यू जो होगी नंबर ऑफ कॉइन है वो हमारे पास ये हो जाएंगे। इनको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 10 हो जाएगा, और 11 से करेंगे 11 × 55 11 × 22, 2 से करेंगे तो ये 100 हो जाएगा हमारे पास, और 5 से करते हैं 5 × 15 2 5 × 5 25, ये 35 × 35 हो जाएगा, और फिर 5 से हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 35 7 से ये 5 आ जाएगा, और 5 से ये 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 ये 4 4 × 100, तो 400 हो जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, जिनका जो वॉल्यूम होगा वो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वो क्या है, वाटर इन ए कनाल 6 मीटर वाइड। क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, देखिए नहर के अंदर जो पानी है, वाटर इन ए कनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.4 मीटर डीप इज फॉलोइंग थ्रू ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो वाटर है, नहर जो है हमारी, वो क्यूबॉइड के आकार की है, जिसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है, विड्थ ऑफ द कनाल वो है 6 मीटर। इसी प्रकार जो डेप्थ है, जो हाइट है वो है डेप्थ ऑफ द कनाल, और ये हमारे पास 1.5 मीटर, और जो ये तो हो जाएगी हमारे पास बी, ये हो जाएगी एच, और जो एल होगी इसके अंदर जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द वाटर क्या है, एल मीन्स लेंथ ऑफ द वाटर, और वो इसके स्पीड के इक्वल हो जाएगी, और वो स्पीड हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 30 मिनट, मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 × किलोमीटर के अंदर हो जाएंगे 1000, और ये हो जाएगा हमारे पास ये 1000 / 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, और 30 मिनट का हमें निकालना है। तो टोटल लेंथ ऑफ वाटर हो जाएगी, गुणा में हम कर देंगे 30, तो 30 मिनट के अंदर इतना पानी इसके अंदर फ्लो हो जाएगा, तो ये 2 2 से ये 5, तो ये लेंथ हो जाएगी 5000 मीटर के इक्वल। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द वाटर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मीटर इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। और जो ज़मीन है उसके ऊपर 8 सेंटीमीटर पानी हमें खड़ा चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो इन 30 मिनट, तो ये हो जाएगा एल बी एच के इक्वल, एल इंटू बी इंटू में एच, तो ये एल हमारे पास 5000, और बी हमारे पास 6, और एच हमारे पास 15/10, तो ये एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 15 6 90
90 गुणा में 500, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 9545 30 सेंटीमीटर, ये मीटर के अंदर है तो मीटर क्यूबिक। और पानी जो हमें वो चाहिए 8 सेंटीमीटर, तो एरिया इरिगेट क्या हो जाएगा, एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट। तो ये जो एरिया होगा वो हो जाएगा, टोटल जो भी पानी है वो है 45,000 मीटर क्यूबिक, इसको हम भाग कर देंगे, और 8 सेंटीमीटर है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.08, और ये वैल्यू हो जाएगी 45,000 अपॉन में 8 गुणा में हो जाएगा 100। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5625 00 मीटर स्क्वायर, या इसको हम हेक्टेयर में करेंगे तो ये हो जाएगा 56.25 हेक्टेयर। तो ये एरिया हमारा इरिगेट हो जाएगा 30 मिनट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वो देखिए। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, पाइप है उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास 20 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द पाइप, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए कनाल इन टू ए सिलेंड्रिकल टैंक, नहर से इसको सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जोड़ता है, कोई भी सिलेंड्रिकल टैंक है इसके अंदर ऐड कर दिया ये, ठीक है। इन हिज फील्ड विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर इन डेप्थ, और इसकी जो हाइट है वो है 2 मीटर, डायमीटर है वो है, और इसका जो डायमीटर है वो है 10 मीटर। ये कोई भी सिलेंड्रिकल टैंक है खेत के अंदर, इसके अंदर ये पाइप लगा दिया नहर से। इफ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो हो जाएगा हमारे पास रेट ऑफ वाटर फ्लो, और ये रेट है 3 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक इज फिल्ड, कितने समय में ये टैंक भर जाएगा। तो ये जो पाइप है ये भी क्या हमारे पास सिलेंड्रिकल का आकार है, और ये भी सिलेंडर के आकार का है, तो टोटल रेडियस तो हमारे पास क्या होगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब जो हाइट है वो भी हम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो हाइट इसके अंदर हो जाएगी, हाइट या फिर लेंथ, लेंथ ऑफ वाटर तो ये हो जाएगा 3 × 1000, ये तो हो गया मीटर के अंदर, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, और इसको हम मिनट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो अपॉन में 60, तो ये पर मिनट हो जाएगा ये, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2, 2 से ये 5, तो ये हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो जाएगी इसकी लेंथ ऑफ द वाटर। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसका जो वॉल्यूम है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम और इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाए, दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, तो वो हमारे पास टाइम हो जाएगा। तो ये टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पाइप, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुणा में आर है यहाँ पे हमारे पास 10, ये 10, और हाइट है वो है 5000, और इसको हम एन टाइम के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणा में एन कर दिया टोटल वॉल्यूम से, और ये इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर है इसके अंदर, रेडियस है वो मीटर में है, तो मीटर को हम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मीटर है, तो 10 गुणा में 100 हो जाएगा, तो ये भी 10 गुणा में 100 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच है वो है 2, तो ये भी गुणा हो जाएगा 100 से। अब ये वैल्यू 22/7 तो कैंसिल हो जाएगी, और एन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी
तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 इंटू में 100 और इंटू में है 2 इंटू में 100, तो ये 200 अपॉन में हो जाएगा, तो ये 5000, दो जीरो तो ये, एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, तो 5 इंटू में 2, अब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100, 200, 400, 400 वैल्यू हम निकालेंगे 5000, 5 से 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 से 22/7, 10 10 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारे पास 10 गुणा में 10, 100, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 × 2 सेंटीमीटर, ये मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ये 100 मीटर, 100 × 2, तो ये हो जाएगा 200 इंटू में क्या हो जाएगा, 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा 5000 और गुणा में ये 10 और 10 100, ये हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू है हमारे पास पाई आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर एच, ठीक है पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20 से 20, नहीं ये वैल्यू गलत हो रही है हमारे पास, तो ये वैल्यू करेंगे हम दोनों का वॉल्यूम निकालो एक बार, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोनों का, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये वॉल्यूम हो जाएगा 22/7, और रेडियस हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो 10 गुणा में 10 इंटू में हाइट है वो है 5000, टोटल हाइट है वो हो जाएगी 5000, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो 5000 नहीं है 3 किलोमीटर है, 3 से करेंगे हम तो ये 5000, 3 × 1000 × ये 100, और ये करना है हमने, टाइम हमें निकालना है, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 के आगे हो जाएंगे 0, 2, 3, 5 × 10, और मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मिनट से हम भाग दे देंगे, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगी इनकी नंबर ऑफ टाइम जो भी है जितने टाइम के लिए होगा पर मिनट में आ जाएगा ये, और इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई 22/7 इंटू में आर स्क्वायर है, और ये जो आर स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा डायमीटर यहाँ पे 10 का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में एच, तो ये 2, इसको भी हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर के अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एन हो जाएगा हमारे पास 22/7 से 22/7 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 × 2 अपॉन में हो जाएगा 100, और ये नीचे हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है ये मीटर के अंदर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200, और 200 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 × 100 अपॉन में हो जाएगा 5000, और गुणा में ये 3 0 ये 5 6 ये 4, तो ये 4/100 तो नहीं आएगी, वैल्यू गलत हो रही है हमारे पास, तो
एक मिनट, हम फिर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इरेजर, तो ये वैल्यू होगी 1 वो हमारे पास हो जाएगा लेंथ ऑफ वॉल्यूम वाटर, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द वाटर क्या हो जाएगी 3 है, 3 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, ये मीटर के अंदर क्या हो जाएगा 1000 और सेंटीमीटर के अंदर क्या हो जाएगा 100, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी टोटल लेंथ घंटे के अंदर। और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू एच है वो हमारे पास 3 के आगे, ये 3 और 2 5 0 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबिक। और वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारे पास, तो टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच, तो पाई इंटू में आर स्क्वेयर है हमारे पास, आर है यहाँ पे वो है इसके अंदर विच इज 10 मीटर, डायमीटर था हमारे पास 10 मीटर भी डायमीटर है, तो रेडियस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी, तो ये 5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में करो 5 मीटर होगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये भी 500 इंटू में ये क्या हो जाएगा 200, तो ये वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा, दिस इज द डायमीटर नॉट रेडियस 10, रेडियस इज 5 मीटर, तो ये हमारे पास मिस्टेक हो रही थी। अब क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ जो भी टाइम जितना भी टाइम चलेगा वो, तो n इंटू में पाई इंटू में ये 100 इंटू में 3 के आगे 5 जीरो हो जाएंगी, और ये हो जाएगा पाई इंटू में 500 ये 500 ये इंटू में 200 ये हो जाएगा हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 500 इंटू में 500 इंटू में 200 अपॉन हो जाएगा 100 इंटू में 3 5 जीरोस, तो 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 ये कैंसिल हो जाएंगी और 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 5 से हम 2 कर देंगे कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/3 hours, तो इतने घंटे हमारे लगेंगे टैंक को फुल होने में। इसको हम मिनट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 5/3 × 60 हो जाएगा, तो ये 20 20 50 100 मिनट, टोटल टैंक को फुल करने में हमें 100 मिनट लगेंगी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.3।